2016 में चीन ने मंगल पर एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन भेजने का ऐलान किया था। तभी से वहां के वैज्ञानिक इसकी तैयारी में जुटे हैं। 24 अप्रैल 2020 को चीन में नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा था, तभी CNSA यानी चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने नए मार्स मिशन का नाम और लोगो सबके सामने रखा, Tianwen-1। मंगल पर शुरुआती कुछ मिशंस के बाद इस ग्रह को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। हर कोई मंगल पर जीवन की पहेली को हल करना चाहता है। अगर ये पहेली हल होती है तो मंगल मनुष्यों के लिए नया ठिकाना हो सकता है। यहाँ से एक नई स्पेस रेस शुरू हो रही है और इसमें नई शक्तियां हिस्सा लेना चाहती हैं। उन शक्तियों में से एक चीन भी है। 17 जुलाई को हाइनान आइलैंड के लॉन्च पैड पर चीन का सबसे हैवी रॉकेट निकालने की तैयारियां देखी जाने लगी और 23 जुलाई 2020 की सुबह ये स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया गया। ये पहली बार है जब किसी स्पेस एजेंसी ने अपने पहले मार्स मिशन के लिए इतने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अगर Tianwen-1 सफल होता है तो ये चीन के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज साइंसकारी देख रहे हैं। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम चीन के पहले मार्स मिशन Tianwen-1 की बात करेंगे। लगभग हर 2 साल में एक ऐसा टाइम आता है जब मंगल ग्रह पृथ्वी से स्पेस मिशन भेजने के लिए एकदम सही पोजीशन पर होता है। इस समय अवधि को लॉन्च विंडो कहा जाता है। 2020 में जुलाई और अगस्त के बीच एक ऐसी ही लॉन्च विंडो हमारे सामने है और इस दौरान 3 देश अपने महत्वपूर्ण मार्स मिशन लॉन्च कर रहे हैं। UAE का मिशन होप, USA का मिशन परसिवियरेंस और चाइना का मिशन Tianwen-1। चीन ने Tianwen-1 के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की है, लेकिन जो कुछ भी हमारे सामने है वो जानने लायक है। Tianwen-1 मार्स पर नई जानकारी की तलाश में जा रहा है। इस मिशन के मंगल पर कई सारे काम हैं। 2 बड़े काम ये हैं कि मार्स की सतह और वातावरण की जानकारी इकट्ठी करनी हो से। मिशन में मंगल की सतह को पानी और मिट्टी के लिए खंगाला जाएगा। इस मिशन में 3 बड़े हिस्से यानी ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। ऑर्बिटर यानी मंगल के चक्कर काटने वाला हिस्सा, लैंडर यानी जो हिस्सा मंगल पर लैंड करेगा और रोवर यानी मंगल की जो गाड़ी सवारी करेगी, सैर करेगी। मार्स तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है और मार्स का वातावरण वहां लैंड करना बहुत ही मुश्किल बना देता है। अब तक मंगल की कक्षा में सिर्फ 4 संस्थाएं अपने ऑर्बिटर प्लेस कर पाई हैं, USA, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इंडिया। अगर Tianwen-1 सफलतापूर्वक अपना ऑर्बिटर प्लेस कर देता है तो चीन इस लिस्ट में 5वां या 6वां नाम हो सकता है। 6वां इसलिए कि अभी मिशन UAE का मिशन होप भी लॉन्च हुआ है, वो भी ऑर्बिटर लेकर गया है, तो इन दोनों के बीच एक रेस अभी लगी हुई है। तो 5वां 6वां इनमें से कौन सा होगा ये देखा जाएगा। अगर Tianwen-1 का लैंडर सफलतापूर्वक मार्स पर लैंड कर जाता है तो चीन ऐसा करने वाला 3रा देश होगा। इससे पहले सिर्फ US और रशिया ही मार्स पर लैंड कर पाए हैं और मार्स पर रोवर चलाने का काम सिर्फ अमेरिका ने किया है। ये चाइना का पहला मार्स मिशन है और चीन ऐसा पहला देश है जो अपने पहले मार्स मिशन में ये तीनों काम यानी ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ये एक साथ भेज रहा है। ऐसा पहले किसी देश ने नहीं किया है, इसलिए चीन के Tianwen-1 को बहुत ही एम्बिशियस मिशन कहा जा रहा है, महत्वाकांक्षी मिशन। चीन ने अपने मार्स प्रोग्राम की शुरुआत रूस के साथ पार्टनरशिप करके की थी। 2016 में रूस ने मंगल के लिए फोबोस ग्रंट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। एक ही रॉकेट के ऊपर रूस के फोबोस ग्रंट के साथ चीन ने अपना Yongyu-1 स्पेसक्राफ्ट भी भेजा था। यह चीन का पहला मार्स ऑर्बिटर होने वाला था, लेकिन लॉन्च के बाद अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में इसके मेन इंजन प्रोपल्शन में कुछ खराबी आ गई और इस मिशन को अबॉर्ट कर पृथ्वी की ओर वापस मोड़ दिया गया। रूस के इस मिशन फेलियर के बाद चीन ने अपने इंडिपेंडेंट मार्स प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया और 2016 में इस मिशन को मंजूरी भी मिल गई। अब 4 साल के अंदर चीन ने यह मिशन लॉन्च कर दिया है। Tianwen-1 को जिस रॉकेट के ऊपर लगाकर लॉन्च किया जा रहा है उस रॉकेट का नाम है Long March 5। ये चीन का सबसे बढ़िया हैवी लिफ्ट रॉकेट है और ये लॉन्ग मार्च 5 की 3री उड़ान है। पहली बार ये रॉकेट 2016 में लॉन्च किया गया था, फिर 2017 में इसके लॉन्च का दूसरा प्रयास किया गया, उस दौरान फर्स्ट स्टेज बूस्टर में फेलियर हो गया और इसके साथ उसके ऊपर लगी 18 शिनजियांग सैटेलाइट्स भी तबाह हो गई। फिर इसकी डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए गए, उसे दुरुस्त किया गया और 27 दिसंबर 2019 को लॉन्ग मार्च 5 ने अपनी दूसरी सफल उड़ान भरी। इसने 20 शिनजियांग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तैनात किया और अब Tianwen-1 मिशन के साथ लॉन्ग मार्च 5 ने अपनी 3री उड़ान भरी है। मिशन का सबसे अहम हिस्सा इस रॉकेट के ऊपर तैनात ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और उसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाल ही में छपे एक चाइनीज पेपर के मुताबिक ऑर्बिटर और रोवर में 12 बड़े इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए गए हैं। हम बहुत ही ब्रीफली आपको ऑर्बिटर, लैंडर और उन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएंगे। ऐसा अनुमान है कि Tianwen-1 का ऑर्बिटर फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा। इस ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर
और इनके अलावा 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो ऑर्बिटर में फिट होंगे। वो क्या क्या होंगे? पहला है मीडियम रेजोल्यूशन कैमरा। मार्स की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर इस कैमरे का रेजोल्यूशन 100 मीटर का होगा। दूसरी चीज है हाई रेजोल्यूशन कैमरा। इस कैमरे का रेजोल्यूशन 2 मीटर का होगा, यानी सतह से 400 किलोमीटर ऊपर से ये 2 मीटर रखी दो चीजों के बीच में फर्क कर सकता है। रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है। तीसरी चीज है मार्स मैग्नीटोमीटर। फिर है मार्स मिनरल स्पेक्ट्रोमीटर। मिनरल स्पेक्ट्रोमीटर से खनिजों का पता किया जाएगा मार्स के। फिर है ऑर्बिट सबसरफेस रडार, ये सतह से गहराई थोड़ी सी गहराई तक की मार्स की चीज़ों का अंदाजा लगा पाएगा। फिर छठवा है मार्स आयन एंड न्यूट्रल पार्टिकल एनालाइजर। तो ये ऑर्बिटर के 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस ऑर्बिटर से ही फिर बाद में अलग होकर इसका लैंडर मॉड्यूल, जिसके अंदर रोवर भी लगा है, लैंडर मॉड्यूल के अंदर उसके पेट में है, वो मंगल की सतह पर डिसेंट करेगा। ये डिसेंट वाला हिस्सा इस मिशन का सबसे मुश्किल काम समझा जाता है। चंद्रयान 2 में हमने देखा था कि इसमें क्या चुनौतियां आती हैं। तो TN-1 की पूरी डिटेल्स तो मालूम नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि इसका लैंडर टचडाउन के लिए पैराशूट, रेट्रो रॉकेट्स और एयरबैग्स का इस्तेमाल करेगा। स्पेस न्यूज के मुताबिक मंगल के यूटोपिया प्लैनेशिया इलाके में 2 लैंडिंग साइट्स की पहचान की गई है, और तो इनमें से किसी एक जगह पर TN-1 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सतह को छूने के बाद इस मिशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा यानी इसका रोवर लैंडर के पेट से बाहर निकलेगा और मंगल की सैर करेगा। 6 चक्कों वाला ये रोवर सोलर पावर से चलेगा और इसका वजन करीब 240 किलोग्राम बताया जा रहा है। इस रोवर में 6 और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे। 6 ऑर्बिटर में लगे हैं और 6 रोवर में लगे हैं, तो कुल 12 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मंगल की सतह से और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की जाएगी। इसका जो सबसे फीचरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट है वो है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये रडार मंगल की सतह से 330 फुट नीचे तक की इमेजिंग करेगा। मंगल पर पहली बार ऐसा कोई रडार इस्तेमाल किया जा रहा है जो इतनी गहराई तक पेनिट्रेट कर पाएगा। और दूसरी चीज़ है मार्स सरफेस मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, मास मेटीरियोलॉजिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, मास सरफेस कंपाउंड डिटेक्टर, मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा, नेविगेशन एंड टोपोग्राफी कैमरा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रोवर में लगे हुए हैं। इनके बारे में सारी डिटेल तो हम आपको नहीं बताएंगे, बहुत बोरिंग हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रोवर 90 मार्शियन डेज तक मंगल की सतह खंगालेगा। एक मार्शियन डे यानी एक मंगल का दिन पृथ्वी के एक दिन से करीब 40 मिनट बड़ा होता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 90 मार्शियन डेज कितने होंगे। मंगल पर लैंड करने वाला ये मिशन इतना खास क्यों है? देखिए, अब तक मंगल पर लैंडर और रोवर वाले कुल 18 मिशंस गए हैं, और उनमें से केवल 10 ऐसे हैं जो सफल हुए हैं। उसमें से 9 तो यूएसए के ही हैं, नासा के मिशंस थे, और एक रशिया का था, लेकिन रशिया वाला जो मिशन था वो लैंड तो हो गया था सफलतापूर्वक, लेकिन लैंड करने के तुरंत बाद उसका संपर्क टूट गया था। तो नासा के पास तो कई दशकों का अनुभव और रिसर्च है, उन्होंने बहुत सारे मिशंस किए हैं, कई हिस्सों में किए हैं, वो कई बार फेल हुए हैं, इसलिए अब वो ये आसानी से कर पाते हैं। लेकिन चीन पहले ही मिशन में अपने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेज रहा है। ये अपने आप में बड़ा रिस्क लेने वाली बात है, इसलिए इसे एक एम्बिशियस मिशन कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीन के पास पृथ्वी से बाहर लैंडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चीन के मून लैंडिंग मिशंस अच्छे खासे फेमस हैं। 2013 में चाइना के चंगा 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी चांद पे, और 2019 में चंगा 4 ने चांद की फार साइड ऑफ द मून जिसे कहते हैं, वहां लैंड करने वाला ये पहला स्पेसक्राफ्ट बना था, जहां पहले किसी ने लैंड नहीं किया था। इसलिए चीन के मार्स मिशंस को बहुत ही टकटकी भरी निगाहों से देखा जा रहा है। चीन का प्लान है कि 2030 तक, मतलब ये उनका एम है कि उन्हें 2030 तक मार्स से सैंपल्स पृथ्वी तक वापस लाने हैं। ये चीन के मार्स प्रोग्राम का पहला पड़ाव है जिसके लिए TN-1 लॉन्च हो चुका है। आप साइंस कार्य देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मंगल की सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगती है, सबसे कमाल की बात कौन सी लगती है। मैं आयुष हूँ, ये साइंस कार्य है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।